किया आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं इसकी ताजा खबरों की ओर। मौत के मुंह से जूझ रहे ब्रजभूषण पांडे से मिली अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के पदाधिकारी। अध्यक्ष अचिंतानंद पांडे ने कहा कि हर संभव मदद करेगा संगठन। महाराजगंज श्याम देउरवा मारपीट में घायल ब्रजभूषण पांडे को देखने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के पदाधिकारी ब्रजभूषण पांडे के गाँव पिपराल लाल उनके घर एवं हॉस्पिटल जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। 40 वर्षीय ब्रजभूषण पांडे घर पर रहकर मुर्गी फार्म हाउस चलाते थे। कुछ दिन पहले उनके बड़े भाई के लड़के की आकस्मिक निधन से परिवार सदमे में आ गया। अभी परिवार सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि उनके घर के बगल में रहने वाले उदय भान सिंह व उनकी पत्नी नीलम सिंह और उनके भाई दीनदयाल सिंह के परिवार से जमीनी विवाद हो गया। दोनों पक्षों को थाने पर समझा बुझाकर शांत करा दिया गया, मगर उदय थाना भान सिंह के घर वाले ब्रजभूषण पांडे के घर से रंजिश रखने लगे और मौका मिलते ही 25 जुलाई सुबह 7 बजे ब्रजभूषण पांडे को लाठी डंडे से पीटकर अधमरा कर दिया। परिवार के लोग मरणासन्न स्थिति में निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गरीब परिवार से आने वाले ब्रजभूषण पांडे की जान बचाने के लिए उनके परिवार के लोग जैसे तैसे यहाँ वहाँ के से कर्जा उधार लेकर इलाज करा रहे हैं। 3 दिन में मरणासन्न हालत में वह हॉस्पिटल के बेड पर मौत से जूझ रहे थे, जिसकी जानकारी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष अचिंता पांडे को दी हुई तो वह तत्काल वह पीड़ित परिवार से जाकर मिलने और वह श्याम देउरा व थाने पर गए, लेकिन थाना प्रभारी से मुलाकात नहीं हुई, जिसके जिलाध्यक्ष ने उपस्थित पुलिसकर्मी से कहा कि अपराधी अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द किया जाए, जिससे इतनी बेरहमी से ब्रजभूषण पांडे को मारा है। तथा मंडल अध्यक्ष दिलीप त्रिपाठी ने कहा कि योगी सरकार ने ब्राह्मणों पर अत्याचार चरम पर, यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो वह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा थाने को घेराव करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी सभी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी दिलीप त्रिपाठी, योगेंद्र त्रिपाठी, अवैधनाथ पांडे, चंद्र आभूषण उपाध्याय, विपुल मिश्रा, संतोष मणि, रामेश पांडे, सुभाष दुबे, चंद्र त्रिपाठी, नित्यानंद त्रिपाठी, सुमित शुक्ला, राजेश पांडे, त्रिटू पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। आपके साथ कैसी घटना घट गई? मेरा मोबाइल गायब हुआ था, मैं अपने दरवाजे पे एप्लीकेशन बैठ के आके मेरे बगल के लाठी डंडा से मारने लगे। मेरा पैर भी फ्रैक्चर कर दिया, मेरे हाथ की उंगली से मारे पाले लगे, उंगली टेढ़ी हो। उसके बाद आपका कौन सा थाना पड़ता है? श्याम देउरवा थाना। आप थाने पर तहरी देने गए थे कि नहीं गए थे? गए थे सर, अप्लीकेशन अपने मन से जबरदस्ती लिखवा रहे थे, हमने नहीं लिखा, फिर जबरदस्ती लिखवा के कोई कार्रवाई नहीं की, पैसा वैसा नहीं। लेकिन अभी तक जो आपकी विपक्षी पार्टी है उनके साथ पुलिस कोई एक्शन लिया है कि नहीं लिया है? कोई एक्शन नहीं लिया है। आप दोबारा थाने गए थे? दोबारा थाने पे गए थे, दोबारा भी अप्लीकेशन में लिखवाए, मगर कोई कार्रवाई। अच्छा, मतलब पुलिस प्रशासन की इतना लापरवाही है कि एक ब्राह्मण परिवार को न्याय दिलाने के लिए उसको इधर उधर भटकना पड़ रहा है, इसलिए प्रशासन पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जो विपक्षी पार्टी है उनको पर भी कार्रवाई तो उसको करना चाहिए। सर ना मारे थे कि मेरे मुंह से खून आ रहा। अच्छा अच्छा, आप कौन सा हॉस्पिटल में एडमिट है? ये संजीवनी हॉस्पिटल। देखिए, भटक बाजार के दलाल चौराहे पे संजीवनी हॉस्पिटल है जहाँ पे इनको एडमिट किया गया है। इनका इतनी समय मौके पर तबीयत थोड़ा सीरियस है और दाहिने बाएं पैर की पैर का अंगूठा भी टूट गया है। ओके, ठीक है।